हाय फ्रेंड्स, आज जो मेरे पास क्लाइंट आई हैं, इनके हेयर्स एक्स्ट्रा हिना कोटिंग हेयर्स हैं और मैम को स्मूथनिंग नहीं करवाना है, इनको केमिकल ट्रीटमेंट करवाना है। तो आज मैं आपको प्रोटीन के जरिए रिबॉन्डिंग का प्रोसेस बता रही हूँ और मैम के आप रिजल्ट देख सकती हैं। सबसे पहले मैंने हेयर वॉश किया, क्योंकि हेयर वॉश, डीप कंडीशनिंग हेयर वॉश आपको करना है जब भी आप प्रोटीन ट्रीटमेंट करें, तो आपको डीप कंडीशनिंग हेयर वॉश करना है। देन उसके बाद मैंने हिना रिमूव करने का प्रोडक्ट बालों पे लगाया और उसको आफ्टर 15 मिनट मैंने उसको छोड़ा। 15 मिनट के बाद मैं फिर से मैम का हेयर वॉश करूँगी, क्योंकि ताकि हमारे मैम की जो हेयर्स से जो हिना है वो अच्छे से रिमूव हो जाए। उसके बाद मैंने फिर से प्रोटीन चढ़ाया मैम के हेयर्स में, ताकि मैम के जो बाल हैं स्मूथ हो जाए। देन उसके बाद मैंने ड्राइड किया, मैंने हेयर वॉश नहीं किया, क्योंकि हम प्रोटीन ट्रीटमेंट कर रहे हैं, केमिकल ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं। हमें ब्लो ड्रायर करना है, हीट और ब्लास्ट ड्रायर हमें नहीं करना है। मैंने मैम के हेयर्स को 80% ब्लो ड्रायर से कवर किया। देन मैं आयनिंग कर रही हूँ। आयनिंग मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि मैम के हेयर्स में मैंने जो प्रोटीन डाला है वो अच्छे से डिपॉजिट हो जाए और मैम के हेयर्स काफ़ी सिल्की एंड शाइनी हो जाए। उसके बाद का रिजल्ट मैं आपको दिखाती हूँ। और ये हमारा फाइनल रिजल्ट है, रिबॉन्डिंग का फाइनल रिजल्ट। आप केराटिन से भी रिबॉन्डिंग कर सकते हैं। ये हमारा फाइनल रिजल्ट है, आप देख सकते हैं मैम के हेयर्स काफ़ी अच्छे हो गए हैं। थैंक यू।